शॉपिंग दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की आज की। स्काई ब्लू और ये है गाय बनाने की विधि। मंदा मंदा करके गैस चलाते रहो छोड़ते रहो, बीच में संभालते रहो छोड़ते रहो, फिर बीच के अंदर हल्का सा नींबू लेके इसके अंदर पानी में मिला के डाल दो, फिर उसके बाद में चीनी डाल दो और फिर गैस बस मंदा मंदा करते हुए छोड़ते रहो और चलाते रहो। ये है कलाकंद रबड़ी, जो भी आप कुछ बोलो वो बोल सकते हो, ऐसे बनती है ये कलाकंद रबड़ी। ये हमारी रबड़ी, अब इसको प्लेट में जमा देंगे और फ्रीज में ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा लग भी गया ये, ठीक है गाइस मिलते हैं आगे। ममा गणिसा, स्वागत है ममता तमर के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस मैं अभी हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, काम वाम करके फ्री होके। तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे। पहले लगाऊंगी पार्सल, फिर जाऊंगी मैं रूप रानी की शॉप पे, क्योंकि काफ़ी भाईसाओं ने सूट भी मंगाए हैं और काफ़ी भाईसाओं ने ये भी बोला है, पकड़ना इस, काफ़ी भाईसाओं ने बोला है कि आप थोड़ी पोशाक का कलेक्शन दिखाएं। तो मैं आज थोड़ा आपको पोशाक का कलेक्शन दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे सिलाई पे सूट देने हैं। ये इधर रखे हैं, जो तारी वाले कल सूट लेके आई थी वो उन्होंने सिलाई भी करवाई है कि भाई साहब नहीं आप सिलाई भी करवा देना और सूट भी और भी लेना है। तो और ए उनकी शादी है तो आप एक बार पोशाक भी दिखा देना कौन कौन से डिजाइन की। तो चलो आज पोशाक भी दिखाते हैं और फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। हैं आप लोगों के पार्सल जो कि मुझे अभी लगाने हैं, जाते टाइम पहले मैं देख के आऊँगी फिर उसके टाइम दे आऊँगी। तो आप नो टेंशन, चार दिन आप वेट करना, चार दिन के बाद में अगर आपका पार्सल नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करना, ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसे पार्सल उठ भी नहीं रहे हैं। अभी बैठ चुके हूँ मैं गाड़ी में और पहुँच चुकी हूँ मैं लाल मंदिर। कानू को भिजवा दिया ऊपर, मैं अभी जा रही हूँ कानू के लिए सीट देखने। इसने बताया कि फर्स्ट क्राई में वैशाली में है, वहाँ एक बार देख के आते हैं, तो वहाँ मिलती है तो मैं लेके आऊंगी। क्योंकि गाइस मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे स्कूल से आते हैं तब मैं जाती हूँ, अब बच्चे सो गए अब उनको थोड़ी जगाऊंगी। तो ये इसको लेकर फिर मैं इधर मेरी बहन की छोड़ जाऊंगी और फिर मैं मेरा काम करती रहूंगी। तो चलो आज देखते हैं मिलती है या नहीं। तो आप ब्लॉग में बने रहना, फिर उसके बाद में फिर हमारा रूटीन है, जो ये ट्यूशन पे जाएगा तो इसलिए मैंने बुलाया इसको घर से, फिर ये भी परेशान हुआ इतनी दूर से इतनी दूर चलना, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं सीट देख के आती हूँ तो उसको सुला के फिर ले आया करूँगी आराम से। पहुँच गए हैं फर्स्ट किराए पे, चलते हैं भाई अब देखें यहाँ मिलता है नहीं। सीट बोलते हैं उसको, बच्चे के बटन पर रेट देखेगा ना तो तेरी आँखें खुल जाएगी। कपड़ों पे रही चटचटी इन पे कपड़ों पे ऐसा होता है नहीं। कितना कैसे क्या होगा? अच्छा ये तो जैसे अपन गाड़ी में कहीं बैठा के ले जाएं तो वैसा है। ओके आराम से मतलब ये 3 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, न्यू बॉर्न से लेकर कम से कम बच्चे बैठने लगे तो 6 मंथ का है तो आराम से बैठा सकते हो। और इसके अलावा इसमें ये अलमारी, ये बच्चे नहलाने वाला, ये पता नहीं बैठने वाला, ये बेबी केयर है। अब ये यहाँ पे लगा के दिखाएगा कैसा क्या, ऐसे आ तो जाएगा है। अब हमने सीट देख ली है, देख ली क्या अभी गाड़ी की सीट पे आई नहीं वो, मतलब बेबी मतलब थोड़ा छोटा है ना तो उसकी नाड़ वगैरह केयर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो इसलिए अभी कैंसिल करके आ गए। तो अभी देखते हैं कोई दूसरे शोरूम पे, नहीं फिर कल, कल नहीं तो फिर ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा बेबी हमारा। इसको चल चल सी बड़ाई करना है, बेबी नहीं लेनी। नहीं गाइस बड़ाई नहीं, हम दे मतलब वो सेट नहीं हो पा रही थी, उसको नीचे भी कर रहे थे सुलान में, जैसे सोता हुआ जाए तो जब तो थोड़ा ठीक भी रहे। अभी उसकी नाड़ ही नहीं रुकी है तो इतनी बड़ी रिक्स क्यों लूं मैं नाड़ के चक्कर में ना, क्यों। और रेट भी काफी थे उस पे फर्स्ट का पे 8-9 हज़ार रुपए की थी वो। तो देखते हैं अभी उनसे पूछेंगे साहब जी से दूसरा शोरूम कहाँ पे है। तो मैं अभी आ गई हूँ पार्सल लगाने, तो अभी पार्सल लगाऊंगी यहाँ पे सारे, तो आपके 3 दिन या 4 दिन में पहुंच जाएंगे पार्सल।
नितिन को छोड़ी आई हूँ मैं और पार्सल लगाई आई हूँ। तो अब चलते हैं घर पे कानू के पास, फिर कानू को फ्री करेंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे रूप रानी के, टाइम रहा तो, क्योंकि 5 बज गए हैं। चलते हैं आसाई जी के पास, मिलते हैं, अब उससे 2 दिन हो गए मिले हुए। मैं अब बैठ गई हूँ गाड़ी में और अभी मैं एक बार सोनी जी के जाती हूँ, फिर वहां से निकलते हुए फिर मैं रूप रानी के, रूप लक्ष्मी के, इनके होते हुए निकलूंगी। जैसे जैसे मेरे को काम हो वो लेते हुए निकलूंगी। गाड़ी आ गई थी एकदम से बच गई गाड़ी। तो गाइस आज भी लाल कलर का सूट पहना है, कल ब्रासो था, आज कॉटन का था। और अभी मैं एक बात बोलना चाह रही थी आप लोगों को कि काफी भाई साहब ये बोलते हैं कि जीजा बोलो या ना बोलो अच्छा नहीं लगेगा, ब्लॉग में बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो चिढ़ जाएंगे फिर मेरे से। तो मेरे को बैर करना पसंद नहीं है, जिसका जो चल रहा है वो चलने दो। तो छोड़ो, कभी अगले ब्लॉग में बताएंगे कि बामनी की देने वाली साड़ी, तो अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन से लेते हैं। ये है जॉर्जेट में और बहुत अच्छा कपड़ा है, साइनिंग का कपड़ा है। और ये देखो कितना प्यारा कपड़ा है और कलर इसके ये हैं 3, 1, 2, 3, अच्छा कपड़ा है ये, 100 रुपये मीटर है ये भी। अच्छा है, एक लफ्फे का डिजाइन ये वाला येलो ऑरेंज है, मतलब येलो साइड है ये, और एक ये इलायची है और एक ये ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन है, इसमें कलर थोड़ा सा अलग आ रहा है। और एक ये कलर है, एक ये गुलाबी कलर का है ये लफ्फे का। तो मैं ये सूट लेने के लिए आई हूँ, इसमें ये 2 कलर हैं, एक कलर और भी है, ये इधर रखे हैं ये। मैं अभी पहुँच चुकी हूँ रूप रानी के, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पोशाक के कलेक्शन। काफ़ी भाई साहब के मैसेज थे कि भाई साहब पोशाक के रेट लेके आओ, रिजनेबल रेट और अच्छा डिज़ाइन वगैरह भी जो भी, तो अभी आपको दिखाएंगे। बेबी पिंक कलर है और नया कलर है, अच्छा ये थोड़ा लाइट सा भी है वैसा। और ये देखो डिजाइन, और ठाकुर जी प्योर की ओढ़नी है, ये कुर्ती में डिजाइन है और साटन बिल्कुल ओरिजिनल बढ़िया वाली है। काफ़ी भाई से बोलते हैं कि कौन सी साटन है, कौन सो वो है, तो अभी आप गौर से देख लेना थोड़ा। और ये ओढ़नी है ठाकुर जी की, ये मोर रही इसके अंदर, ठीक है, सबूत के साथ में। एक डिजाइन तो ये हो गया, दूसरा डिजाइन ये है, ये मोर पंख का डिजाइन है और ये 7500 है। और ये नीचे वाली 6500 की है, ये और पूरी ओढ़नी में ये मतलब काम है इसके अंदर। और ये है एक कलर, मतलब ग्रीन भी, ग्रीन सा कलर है ये, रामा कलर है ये, इसमें थोड़ा नेवी ब्लू सा रहा है, रामा कलर है ये। और ये तो और भी अच्छी है, ये देखो इसका काम, 5.5 की भी है और 5500 की भी है ये। हाँ, तो एक ये कलर है, वो कट कर देना तू। और ये डिजाइन है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, हाँ, और अच्छी है, साटन भी बढ़िया है और ये काम है इसके अंदर। बिल्कुल बारीकी से दिखाती हूँ आज मैं, क्योंकि अब शादी का सीजन आ रहा है, तो काफी भाई साहब मैसेज कर रही है कि पोशाक लेके आओ, पोशाक लेके आओ। और ये कलर है ओनियन कलर, जो कि अभी फिलहाल मार्केट के अंदर भाग रहा है, काम इसमें कोई भी वो नहीं है, सब दबके का काम, ये दबके का काम है ऐसा। और इसकी क्या रेट है? इसकी भी 6500 रेट है, आपके लिए ये। अच्छा, ये मेरे लिए बोल रहे हैं कि आपके लिए ये 6500 रुपए की, जो कि आपकी ऑडियंस देख रही है। इसका कपड़ा नेचुरल क्रेप कपड़ा, नेचुरल क्रेप कपड़ा, हाँ, आप देख ही रहे हो साइनिंग आ रही है पूरे कपड़े पे, ये देखो सबसे अलग कपड़ा ये, हाँ, मतलब इसमें थोड़ा काला काला आ रहा होगा, ये थोड़ा मतलब रेड रेड सा कलर है ये, अच्छा कलर है ये, ऑनियन कलर है ये, मतलब हिंदी में अपना प्याजी कलर, क्योंकि मेरे से भी मुड़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, बोलती कुछ हूँ। और ये 7000 रुपए की है, ओढ़नी में काम है और कुर्ती में इसमें भी काम है, देखो ये काम है इसके अंदर, बारीकी से देखो ये। और साटन बिल्कुल बढ़िया वाली है, नेचुरल साटन है ये। और ये ओढ़नी है, इसमें पूरी तरफ इसमें बाउंड्री है ओढ़नी में, ये वैसे 6500 की बेची हुई है, ये कलर ओनली एक ही पोशाक है, ऑफर में चल रही है, 4500 4500 रुपए में है ये वाली पोशाक,
ठाकुर जी की 6500 की है, साटनी भी है कि नेचुरल क्रेप कपड़ा भी है। हाँ क्रेप है, देखो बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, ये कपड़ा है इसमें दोनों कपड़े मिक्स है, यानी कि वो भी आएगा नेचुरल भी आ जाएगी साटन भी आ जाएगी। अच्छा साटन भी आ जाएगी नेचुरल भी आ जाएगी, इस पे ऑफर है, ये है 4500 रुपए में। आप भगा भगा के वीडियो मत देखना क्योंकि फिर आप रेट पूछोगे, तो एक बार आप अच्छे से गौर से देखना ये कितने की है ये कितने की, फिर आप व्हाट्सएप पे भेज देना। इसमें दबके काम बहुत अच्छा ये है, इसमें दबके का काम कितने की है? 5200 ओनली। 5200 ओनली मतलब की इस पे ये काम है, ये ओढ़नी है, इसमें ओढ़नी इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि 45 वाले भी ठाकुर जी प्योर है, 10000 वाले ठाकुर जी प्योर है, 20000 वाले भी ठाकुर जी प्योर है बिल्कुल। और मैं हाँ एक ये कलर दिखाओ, ये भी नया कलर है, और एक ये भी नया डिजाइन है, इसके अंदर ये काम है ऐसा, और पूरी ये नया कलर है, ये भी सलेटी सलेटी कलर सा है, और ओढ़नी प्योर की इसमें ये पूरे में ऐसा काम है ओढ़नी में। ये है पोशाक का कलेक्शन, और फेरों के पोशाक भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए, उन पे भी इन्होंने ऑफर डाल रखा है काम। और एक ये वाइट काम, चांदी की ज्वेलरी होनी चाहिए और उस पर इसको वियर करनी चाहिए, ये देखो कितना अच्छा डिजाइन है इसका भी, और कलर सारे मतलब ऑर्डर से भी आप बनवा सकते हो कि ये कलर चाहिए मुझे इस डिज़ाइन के अंदर, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें ये डिजाइन है चांदी का, और इसकी रेट क्या है? 7000। इसकी रेट 7000 रुपये है। हाँ अब ये दूसरी वाली इसी कलर में है ये भी, और ये भी 6500 रुपये की है ये पोशाक भी। सब में ठाकुर जी प्योर है। हाँ सब में, और नहीं साटन मतलब अच्छी वाली है, देखो आपको 12 kg वाली। हाँ बढ़िया साटन आती है बिल्कुल, और ये ओढ़नी में काम है इसके, पर्पल ही पर्पल दिखा रहे हैं मुझे आज ये। और ये डब्बी वाली है, ये भी इसमें सारे कलर मिल जाएंगे आपको, और ये डिजाइन है। इसकी क्या रेट है आपकी यहाँ की? 5500 रुपए इसकी रेट। हाँ वो तो मेरे को दे देते हैं ये, तो मैं इसलिए मेरे ऑडियंस को देती हूँ, ये दुकान पे लोगे तो आपको इतने की मिलेगी, 5500 रुपए की मिलेगी। ये है सी क्या वर्स 3500 रुपए की है, और इस पे ये कुर्ती का काम पूरी है, में जाल इसके अंदर। पूरी ओढ़नी में जाल है ये रहा, ये एक ही पीस है ना? एक ही पीस है ये गाइस, 3500 रुपए की है ये। ये तो है नॉर्मल रेंज 5, 6, 4, 7 तक की, अभी हैवी भी है इनके पास काफी हैवी, तो उनके मैं एक दो दिखाती हूँ क्योंकि वो थोड़ी महंगी है, तो उसको खोलने में थोड़ी खराब हो जाए, कलर वलर हाथ उत लग जाए, इस वजह से वो खोलते नहीं है। ये है थोड़ी हैवी रेंज में, इसकी साटन मतलब मेंबर साटन है, और ये है दबके का काम है ये जो 9500 रुपए इसकी प्राइस है। ये सब मेंबर साटन में आएगी जो कि थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। हाँ लाल बलियों के अंदर, हाँ में आएगा काम इसका, ये साटन काम में आएगी। ये देखो पेड़ खजूर का आप इसमें मिल जाएगी, कलर आप जो बोलोगे मिल जाएगा, जो कलर बोलोगे वो कलर मिल जाएगा इनमें। ये है 11500 की, और इसका कपड़ा एक नंबर है, काम भी एक नंबर है, दबके का काम, मेंबर की साटन, ठाकुर जी की पेवर। रेट क्या बताई आपने इसकी? 11500। ये है ओढ़ना इसका, और ये है गाइस 8500 की, ये बहुत ही अच्छी, और ये तो मेरे को मतलब अच्छी लग रही है, ये डिजाइन भी अच्छा लग रहा है इसका, और पूरी भरी भरी भी है इसके अंदर, ये देखो 4500 रुपए पोशाक है। ये लास्ट कलर एक ही है, दबके का काम इसमें, सब चीज दबके की इसमें, ये लास्ट पीस है 6000 की बची हुई है, सोबड़ काम इसके अंदर। अच्छा तो ये बड़ा सिलक क्रेप कपड़ा ही है, और ये दबके जो फूल है, दबके फूल है सारे, लास्ट पीस बनता है ये, इसमें कलर कुछ नहीं मिलेगी, चीज अच्छी है की। अच्छा ये एक ही कलर ही है, नहीं कलर भी बढ़िया है, तो मूंगिया मतलब 4500 रुपए की है ये, मूंगिया ग्रीन 6500 रुपए की, 4500 रुपए की आ रही है फिलहाल तो। ठीक है जी, ऑफर चल रहा है इस पोशाक पे ओनली, एक पोशाक पे। और वैसे देखो गाइस सारी पोशाकें हैं ब्राइडल वोरी, अभी इनको ब्राइडल को नहीं खुलवा सकते क्योंकि ये
प्योर मतलब ऐसी चरक वाली और बढ़िया वाली होती है ना, इसलिए सारी पोशाक आपको हर डिजाइन हर कलर सब कलर सारे मिल जाएंगे इन सूटों के। और जिनको भी पसंद आए वो ऑर्डर करें, दुकान पे आए, रूप रानी पे आए, मिल जाएंगे सबके मिल जाएंगे इनके शर्ट। गोदाम है इनके वैसे होलसेल के, सबको दिखाओ। स्काई ब्लू और ये काम है इसके अंदर। और ये कितने का है? इसमें पूरी ओढ़नी में जाल है, हाफ प्योर में भी है क्या? ये हाफ प्योर में भी ये काम वाला। अच्छा, और ये है इसमें, ये मेरे को अच्छा काम लग रहा है इसका। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे फटाफट से। आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया ज़्यादा लंबा चौड़ा, और क्योंकि मैं वहाँ पे पहले यहाँ आए थे घूमते, क्योंकि टाइम हो गया था और छोटा बेबी था, इसलिए मैं जल्दी आ गई। तो मैं अभी आ गई हूँ घर पे। अभी मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की आज की आप लोगों के लिए। मेरा उसमें एक है, वो मैं अभी बाद में दिखाऊंगी। तो पहले मैं दिखाती हूँ जो भी आया है स्टॉक वो। तो पहला तो ये लेके आई हूँ मैं, ठीक है गाइस। ये दो सूट हैं, ये दो कल आई थी, दो आज, क्योंकि पता नहीं कौन मंगाए कौन नहीं मंगाए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लेके आती। फिर उसके बाद में ये सूट के ऑर्डर आए थे, ये भी दो सूट लेके आई। एक तो ये लेके आई हूँ, इसका ये है मतलब कौन सा कलर बोलते हैं इसको, कौन सा कलर बोलते हैं, ऑलिव ग्रीन। हाँ, कुछ अलग नया कलर है, आप देख के पीयू ने बता दिया है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में है एक सूट, ये अब है नहीं, ये एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में है ये भी कल लेके आई थी, तो फिर एक बाइसन और पसंद की, फिर उनके लिए ये लेके आई हूँ, ये वाला खुल गया। उसके बाद में एक लेके आई हूँ तारी का, इसी में ही पर्पल कलर का, जो भी दिखाती हूँ नहीं, ये तो गाइस वो है साड़ी, ये बामनी को देने के लिए साड़ी लेके आई हूँ मैं। कल हमारे मतलब मेरी सास की श्राद्ध है, उसके लिए ये साड़ी लेके आई हूँ, छोटा मोटा सामान। तो इसलिए मैं जल्दी शॉपिंग करके आई हूँ, क्योंकि मैं याद नहीं रहता ब्लॉग के चक्कर में कि मुझे क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। उसके बाद में मैं ये लेके आई हूँ, ये सूट लेके आई हूँ, मेरी कोई फ्रेंड है उसके लिए इलायची कलर। और फिर एक सूट उनके पास ये नहीं था लफ्फे के, तो फिर ये कलर भी मिल जाएगा, ये अभी है उनके शॉप पे येल्लो, और मैंने आपको दिखाया ना आगे, ये अलग पीच सा कलर है, वो कलर है, किसी को चाहिए तो अभी मिल जाएंगे कल। एक या दो सूट और पड़े हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद में मैं लेके आई हूँ ये वाले जॉर्जेट के, ये मैं कल लेके आई थी 10 सूट, आज लेके आई हूँ मैं कितने सूट है मतलब पांच ये हैं और तीन वो हैं नीले, एक कलर तो ये है, ठीक है। आप फोटो खींच लेना और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ये है 100 रुपये मीटर, इसका दूसरा कलर है ये, दूसरा कलर ये है, कोई सा भी आपको पसंद आए तो बता देना। ओढ़नी इसके साथ में मिल जाएगी, इसके साथ में भी मिल जाएगी, ये रहे। उसके बाद में है ये पन्निया और एक पोशाक है गाइस, ये भी अभी लेके आई हूँ, ये भी ऑर्डर की है, तो किसी को चाहिए तो इसमें कलर सब मिल जाएंगे। पोशाक का कलेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, आज बहुत भरपूर पोशाक थी उनके पास। जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ये नीचे लाइन पे जो नंबर आ रहे हैं इसके ऊपर आपका पार्सल लग जाएगा। पार्सल की नो टेंशन, दो तीन दिन पार्सल नहीं लगे तो आप मतलब नहीं लगे मतलब पहुंचे नहीं तो आप तुरंत मैसेज करें कि जीजा मैसेज ये क्या नाम है आपका पार्सल नहीं आया, तो मैं पूछ के फिर बता देती हूँ। क्या है बारिश के कारण वगैरह रुक जाते हैं, तो वैसा होता नहीं है, बट सभी भाईसाओं के पार्सल पहुंचे हैं, चाहे आप कमेंट करके कर लेना। और सभी सुनो बेटा, सभी ने ये बोला है कि आपके जो आपने जो कपड़े भेजे हैं वो एक नंबर के कपड़े भेजे हैं, वीडियो से भी अच्छे कपड़े भेजे हैं, काफी भाईसाओं ने मुझे फोन कर करके बोला। उसके बाद में ये है मेरा कहाँ गया भाई, और इसमें है सारा छोटा मोटा सामान जो बामने को देने के लिए है वो, और ये नहीं मेरा सूट था एक, और वो वाला भी आ गया है गाइस, ये भी लेके आई हूँ, ये जो मैं लेके आई थी ना टीशू में रेड कलर,
तो ये भी आ गया है, तो ये भी चाहिए तो आप ये भी बता देना, ठीक है। और मेरे लिए मैं एक सरप्राइज सूट है जो कि आपने कल आपने एक ब्लॉग में देखा होगा, कल मैं नहीं लेके आई थी, मैं थी जल्दबाजी के अंदर, तो आज ये है सरप्राइज। तो ये तो मैं लेके आई हूँ मेरे लिए, और इस पे है ये है ओढ़ना, कितना प्यारा लग रहा है बताना। अभी इसके बारे में बात करती हूँ, ये है 120 रुपए मीटर बताया उन्होंने। हाँ गाइस 120, मैं अभी इसका कोई पेमेंट नहीं देख के आई हूँ, उन्होंने मुझे ये सूट अभी दिया है, तो 120 रुपए और ये 200 की ओढ़नी, इसका ये पेमेंट है। और अच्छा कपड़ा है इसका, साइनिंग वाला, देखो दिख रहा है ना आपको, गौर से भगा भगा के वीडियो नहीं देखना, नहीं आप देख नहीं पाओगे कुछ भी, आराम से देखना है बिल्कुल प्यार से कि कुछ छूट ना जाए। और इस पे ये ओढ़नी भी इतनी मैच हो रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे ये एक दिन देखा था मैंने इंस्टा पे या किसी पे, तो उस पे तो जो मैं चीज दिखा, मतलब काफी भाई साहब ये बोलते हैं कि भाई साहब आप बढ़िया चीज दिखाते हो तभी हमें ट्रस्ट होके तब हम मंगाते हैं। गाइस मेरा भी एक ट्रस्ट है आप लोगों पे कि मैं आपको हल्का कपड़ा दिखा दूं और उसका प्रिंट इतना बढ़िया आता है कि आप ऑर्डर कर दोगे उसके तरह। जो दाद भार के कपड़े होते हैं उनके प्रिंट कितने प्यारे प्यारे होते हैं ना, तो आपको क्या पता कि ये कपड़ा कौन सा है कौन सा नहीं है। मैंने दिखा दिया, मैं इसलिए सारे कपड़े नहीं दिखाती हूँ जो मुझे खरीदना होता है, जो मुझे लेना होता है और लोगों के पास भी जाए वो बढ़िया चीज जाए, इसलिए वो ही चीज दिखाती हूँ। मैं फालतू की चीजें नहीं दिखाती हूँ, जो कि 400 रुपए का भी सूट है वो 500 का भी सूट है, बट वो आपके पास वो सूट जाएगा और आपको कैसा लगेगा फिर क्या बोलोगे, अरे भाई साहब ने कपड़ा भेजा था, किस भाई साहब ने भेजा था, ममता भाई साहब ने भेजा था, ऐसा कपड़ा भेजा। तो ये मैं नहीं, मतलब चाहती हूँ कि आप लोगों के पास खराब चीज जाए, बढ़िया चीज जाए, अच्छी चीज जाए, आपको मंगाए याद करे कि हाँ भाई किसी ने बढ़िया चीज, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मैंने ये चीज करी है कि जीजा आप हमें भेज दोगे क्या, जीजा हम मुझे भेज दोगे क्या, पर हाँ भाई साहबों का काफी अच्छा रिस्पांस आया। अगर ऐसा ही रिस्पांस रहा और आपको पसंद आते रहे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, और मेरी रेट मार्केट से सस्ते मिलेगी, ये आप ट्राई कर लेना, कहीं पे भी ट्राई कर लेना, मैं प्राइस देती हूँ होलसेल। अब इनकी रही बात कि काफी भाई साहब ने ये पूछा कि जो ये रेट है इसी के अंदर इसलिए वो मतलब डिलीवरी चार्ज है क्या, मैंने कहा नहीं अलग से रहता है वो, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको पसंद आता है तो आप मंगाना, नहीं पसंद आता है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है किसी के, भाई नहीं आप तो लो, नहीं आप तो लो, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको पसंद आता है कि जेन्युइन में मुझे लेना है, ये बात भी बता देती हूँ भाई साहब, टाइम पास नहीं करना, जिनको ये सोचो भाई मेरे को तो ये कपड़ा लेना है मुझे बहुत पसंद आ रहा है, वो ही मैसेज करे, वो ही फटाफट से बोले कि भाई साहब ये लो पेमेंट, तरफ आपका अगले दिन पार्सल लग जाएगा, पार्सल की फोटो आपके पास पहुंच जाएगी, और 2-3 दिन तक अगर आपका पार्सल नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करें। क्या होता है कि गाइस इतने लोग मतलब मेरे को मैसेज करके, मतलब काफी तो फालतू मैसेज करते हैं, ये मिलेगा ये नहीं, ये कम कर दो, ये ज्यादा कर दो, ये वो कर दो, भाई मेरे पास दुकान नहीं है और मैं तो एक वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों ने ये बोला कि भाई साहब आप हमें भेज दोगे तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को भेजा। तो जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही भेजूं, जब तक आप मेरे, मैं बोलूं कि आप मंगा सकते हो तभी उसी को ही ऑर्डर करना, अगर कोई चीज नहीं हो तो मैं उसको कैसे देऊंगी। तो मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं तो एक वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉगर हूँ। तो ये थी, और ये कैसे लगे ये जरूर बताना कमेंट में, और आप लोगों के पास जिन भाईसाओं के पास पार्सल पहुंच गए वो भी कमेंट में बताया करो कि जीजा हमें बहुत अच्छा लगा आपका पार्सल देख के, जैसे मुझे फोन करते हो ना वैसे आप यूट्यूब पे भी कमेंट और लाइक नहीं करते हो, आप मुझे वीडियो भेजते हो नीचे का उसको एडिटिंग कर देंगे, अब जैसे मैं बोलती हूँ ना कि वीडियो सब्सक्राइब करे लाइक करे उसको हटा देंगे सब्सक्राइब को, और उसको अब हंसी भी आती है मुझे कई बार, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर करें। और ये था गाइस आज का ब्लॉग, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं जेन्युइन चीज दिखाती हूँ, मंगाएं ट्रस्ट करें फिर आप ऑर्डर करें, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।